दोस्तों क्या कभी आप लोगों ने इस बारे में विचार किया है कि लाल चंदन की लकड़ी इतनी महंगी 25 से 30 हज़ार रुपए किलो के भाव से क्यों बिकती है? वहीं यदि आप एक नॉर्मल लकड़ी खरीदेंगे तो उसके एक किलो की कीमत 0 के बराबर होती है। चलिए लाल चंदन के इतिहास के बारे में सरल भाषा में समझते हैं। देखिए चंदन की लकड़ी की मांग विदेशों में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि लाल चंदन की लकड़ी से बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाएं बनती है जो ब्लड प्रेशर, स्किन डिजीज और हेयर फॉल जैसी बीमारियों के इलाज में काम आती है। लाल चंदन की लकड़ी को ही दुनिया की सबसे पवित्र लकड़ी भी माना जाता है। दूसरी बात, लाल चंदन की लकड़ी से तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट, एट्रैक्टिव फर्नीचर, ब्यूटी क्रीम प्रोडक्ट और तरह तरह की नक्काशीदार मूर्तियों की कलाएं भी बनाई जाती हैं, और इनकी कीमत मार्केट में लाखों रुपए में होती है। लाल चंदन की लकड़ी के इतना महंगा होने के पीछे का एक ही कारण है, यह पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है, सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, वो भी सिर्फ दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में ही पाए जाते हैं।